Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfrap.in. Nifty all time high level पे इस समय ट्रेड कर रहा है और आज भी एक जबरदस्त तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। सबसे पहले आज के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं और फिर कल के लिए क्या निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का आज का चार्ट है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और जो हमने ब्रेकडाउन लेवल को मार्क किया था उसको ब्रेक होने के बाद एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। यही लो बनाया था फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास, आज का लो 15,374 है और यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है और ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट 15,499 दोनों भी अचीव्ड हुए और यहाँ से और भी ज़बरदस्त तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो काफ़ी एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल यहाँ पर साबित हुए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मंथ खत्म हो चुका है तो एक बार मंथली चार्ट को भी एनालिसिस करते हैं। ये मंथली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। उससे पहले वीकली चार्ट में हमने फ्राइडे को जब वीक खत्म हुआ था वीकली एनालिसिस कर रहे थे वीकली चार्ट का, तो यहाँ पर राइजिंग डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला और उसके मुताबिक प्राइस एक्शन में आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पर अभी मंथली चार्ट को अगर हम देखें तो मंथली चार्ट ने भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ये 3 महीने का ये जो ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन फेज का, फेब्रुआरी मंथ का हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ था, तो आज यहाँ पर इसने इसके ऊपर क्लोज दिया है मंथली चार्ट में। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है, ब्रेकआउट फेल्यूर भी हो सकता है। क्योंकि RSI को देखें तो ये 70 to 100 जो कि ओवरबॉट जोन माना जाता है, तो यहाँ पर अभी ये पहुँच चुका है फिर से एक बार। अगर पास्ट में देखें तो जब भी ये 70 के अबाव गया है तो प्राइस एक्शन में एक छोटा सा करेक्शन आया है, 20 EMA के पास सपोर्ट लिया और फिर बाउंस बैक हुआ। ये सेकेंड टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन आया फिर सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। तो अभी ये फिर से एक बार 70 के ऊपर ये पहुंच चुका है, 70 के लेवल के ऊपर। तो ये ब्रेकआउट तो मिला है लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। हमेशा कहीं कभी भी ब्रेकआउट मिलने के बाद जब ऊपर जाता है प्राइस एक्शन जब ऊपर जाता है तो ये रीटेस्ट करने के लिए आता है, जो ब्रेकआउट का लेवल होता है उसको रीटेस्ट करता है और फिर ऊपर जाता है। तो थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ पर काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है ओवरनाइट पोजीशन बनाने के लिए। तो ये मंथली और वीकली चार्ट का सिनेरियो है, निफ्टी इस समय काफ़ी बुलिश है। तो चलते डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में तो ज़बरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। डेली चार्ट में भी अभी ये 70 के लेवल के आसपास मतलब जो जोन है 70 to 100 इसी के पास ये पहुँच चुका है RSI, तो हो सकता है एक करेक्शन आए। तो वेट करें, जब फिर से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे तब पोजीशन लेना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ किया था। अगर आपने फ्राइडे का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं 61.8% के लेवल के पास इसने ज़बरदस्त सपोर्ट टेस्ट किया था फ्राइडे को और आज जब ये यहाँ से ब्रेकआउट यहाँ पर मिला और ये 100% का लेवल भी इसने अचीव कर लिया है। अगर हम यहाँ पर और एक लेवल को अगर ऐड कर दें 123.6 तो आप देख सकते हैं 15,647 के आसपास ये दिखाई दे सकता है। तो ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें, जब तक फिर से एक बार हमारी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक पोजीशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है। तो कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं? ब्रेकआउट लेवल तो होगा हमारा आज का ये ऑल टाइम हाई लेवल यानी 15,605, ये हमारा थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं 15,610, ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करें तो फर्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा 15,633, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है और सेकेंड टारगेट होगा 15,657, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और एक छोटा सा स्विंग लो यहाँ पर बनाया था अर्ली चार्ट में आज के दिन में,
तो 15,536 ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल, इसके नीचे सस्टेन करे तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,518, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,498, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल से कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया लेकिन फेल हुआ, नीचे आकर 20 EMA का सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ। एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, ब्रेकआउट लेवल को अभी इसने सपोर्ट का काम किया। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो आगे जाके सपोर्ट का काम करता है। और एग्जैक्ट दिन के हाई ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के लेवल के पास बैंक निफ्टी ने दिन का हाई लगाया। तो काफ़ी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स सही साबित हुए। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी यहाँ पर भी अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ करें, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो को पकड़ के, तो आप देख सकते हैं इसके लेवल्स काफ़ी एक्यूरेट साबित हो रहे हैं। फर्स्ट तो 23.6% को इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर 38.2 को इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर 50% को अभी आज दो बार इसने दूसरी बार आज यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, और आज ऑलमोस्ट 61.8% के लेवल को भी इसने अचीव कर लिया था। तो अभी 35,620 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजिशन हम बना सकते हैं। तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 35,621, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर सस्टेन करे तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 35,737, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 35,867, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो यहाँ पर ये जो स्विंग लो बना है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी फेस किया था, तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 35,392, 50% का लेवल था, दो बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो 35,392 ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,319, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड जस्ट 20 EMA के ऊपर, यानी 35,226 ये हमारा होगा सेकेंड टारगेट। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल से कल के लिए, यानी 1 जून। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।